वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको तीन चीज़ें, तीन ट्रबल्स बताने वाला हूं, जो तीन जो टेक्निकल चीज़ें हैं। रावेल पैनल कॉन्वेंशनल पैनल है एक्चुअली ये। इसमें तीन चीज़ें ये अलग अलग हैं, ये मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। एक तो सबसे पहले इसमें मैं जो आपको बैटरी में जो एक साउंड आता है, ये साउंड बैटरी का साउंड, जो बैटरी जब नहीं डालते हैं हम तो वो एक साउंड आता है, तो उसको क्लोज करना बगैर बैटरी लगाए हुए। और दूसरा एक आता है उसमें रिपीटर पैनल को जोड़ने का, जो रिपीटर पैनल का टर्मिनेशन कहाँ से होता है, रिपीटर पैनल में कैसे ये काम करता है उसके बारे में बताऊंगा। और तीसरा जो कन्वेंशनल पैनल है, इसी कन्वेंशनल पैनल से जो प्रेशराइजेशन फैन है उसको कैसे चलाते हैं, उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, उसको कैसे इसी में जब हम फायर कन्वेंशनल पैनल में आएगा तो वो मेन प्रेशराइजेशन फैन का पैनल, प्रेशराइजेशन फैन पैनल में कैसे ऑटोमेटिक फायर आ जाए और वो एक्टिव हो जाए, यानी वो चलना शुरू कर दे वो पैनल। तो मैं ये तीनों चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पैनल में कोई डिसेबिलिटी नहीं है, सिर्फ एक है जिसकी वजह से ये बीप साउंड आ रहा है, ये बैटरी फॉल्ट देख रहे हैं, ये फॉल्ट बैटरी फॉल्ट की वजह से ही, यानी इसमें बैटरी लगा हुआ नहीं है और इसका साउंड भी आता है, तो ये एनोइंग होता है, जिसकी वजह से हम पहले इस साउंड को क्लोज करते हैं। साउंड को क्लोज करने के लिए ये देख, ये वायर है, ये दोनों वायर, ये बैटरी, जहाँ बैटरी हम लगाते हैं इस पर बैटरी रहता है, इस जगह पे बैटरी रखते हैं हम, लेकिन अभी हम बैटरी नहीं डाले हैं। जब तक बैटरी नहीं डालेंगे, जब तक बैटरी का कनेक्शन नहीं करेंगे उससे बैटरी के साथ, तो ये साउंड नहीं जाने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस साउंड को ऑफ करने के लिए हम बाईपास करेंगे बैटरी को। तो ये यहां से बैटरी का ये रेड केबल है, रेड वायर, इससे कनेक्ट करके, यानी बैटरी का इस वायर को हम इसके साथ थ्रू कर देंगे। यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये 24 DC, ये 24 DC यानी इस वाले पोर्ट की बात हो रही है। तो इस पे हम जो ये पॉजिटिव है 24 DC में, ये वाला टर्मिनेशन में हम कनेक्ट कर देंगे। तो मैं कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, तब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अब इसका कनेक्ट करते ही इसका साउंड भी बंद हो गया, और यहाँ से जो ये ट्रबल्स है, ये ट्रबल भी यहाँ से पैनल से चला गया, पैनल हेल्दी सिस्टम में आ गया, रावेल इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम हेल्दी। अब यहाँ पे कोई फॉल्ट भी नहीं दिखा रहा है, तो ये क्लोज हो गया इस तरह से। अब दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ कि जो प्रेशराइजेशन फैन होता है उसका जो स्टार्टर होता है उसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ, जो हमारा जो रावेल का जो कन्वेंशनल पैनल है उसके साथ कनेक्ट करने जा रहा हूँ। तो उसके साथ कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें मेन अलार्म पैनल में रिले होता है, तो उस रिले से हमें कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपको एक रिले, ये NCNO कॉमन, फिर NCNO कॉमन, फिर NCNO कॉमन, यानी ये तीन रिले हो गया। एक रिले ये है, एक ये बी में एक रिले हो गया, और ए में एक रिले हो गया। तो ये अलग अलग रिले इसलिए दिया जाता है कि जो हूटर चलाना होता है, पैनल को जोड़ना होता है, और भी कई जो रिले का काम आप लोगों को पता है कि अलग अलग डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए, अलार्म से जोड़ने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग रिले से रिले डालते हैं। तो ये इसमें रिले इनबिल्ट पैनल के साथ ही आता है। तो सबसे पहले तो ये जो रिले देख रहे हैं आप, रिले ए, जो रिले ए है ये हम इस पे पैनल हूटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है मेरा ये। दोस्तों आई बटन में इसका कनेक्शन दिया हुआ है, वहां से देख लें इसको, हूटर के साथ हम कनेक्ट कर दिए हैं इसको। अब दूसरा दो रिले मेरा खाली है, तो उसमें से हम एक रिले प्रेशराइजेशन फैन के लिए हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम कनेक्शन करेंगे, पैनल में कनेक्शन कर लेंगे हम प्रेशराइजेशन फैन का। दोस्तों हम बी में पहले बी वाला रिले है ना, उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे बी वाला रिले, यानी ये वाला रिले के साथ। तो सबसे पहले जो ब्लैक वायर है उसको हम लगा देंगे कॉमन में, दो वायर पैनल से स्टार्टर प्रेशराइज्ड फैन का स्टार्टर तक डाल देंगे, और जो रेड वाला वायर है ये लगाने के बाद रेड वाला वायर हम लगा देंगे एनओ में, और NCM खाली रखेंगे। जब फायर आएगा तो NC ऑटोमेटिक वो ले लेगा, ये काम ही होता है। NO में हम कनेक्ट कर देंगे रेड वाला वायर को, और इसी तरह हम जो स्टार्टर है, स्टार्टर में भी प्रेशराइजेशन फैन का स्टार्टर में भी हम कनेक्ट कर देंगे, वहां का भी मैं दिखाने जा रहा हूँ आप लोग को। जैसे ही हम कनेक्ट कर दिए हैं,
दोस्तों अब आपको मैं स्टार्टर में जो ये प्रेसराइजेशन फैन का स्टार्टर है इसमें मैं कनेक्शन के बारे में बताऊंगा कि इसको अलार्म का जो वायर है वो कहाँ कनेक्ट करेंगे हम। तो ये जो वायर है जो मेरा पैनल से आया हुआ है, ये जो वायर देख रहे हैं आप, ये वाला वायर, ये मेरा जो मेन पैनल है कॉन्वेंशनल का, वहाँ से आया हुआ है और उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। देखिए एक रेड है और एक ब्लैक है, यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं इसके साथ, और इसका रिले के साथ जब ये फायर होता है तो ये रिले के साथ ही ये काम करना करता है, रिले यहाँ का रिले भी काम करना शुरू कर देता है उसके साथ। तो अब मैं आपको फायर करके दिखा रहा हूँ, जब फायर करते हैं तो यहाँ पे फायर आ रहा है कि नहीं, ऑटोमेटिक ये ऑन हो रहा है कि नहीं, प्रेसराइजेशन फैन का स्टार्टर यहाँ पे ऑन हो रहा है कि नहीं। ये कुछ इस तरह से यहाँ ऑन, ये वाला जो ये है ना, ये ऑन, ये जो लाइट है एलईडी लाइट, ये ऑन होगा, ये रेड जलना शुरू हो जाएगा जब ये फायर, जब इस पर सिग्नल आ जाएगा फायर का। उसके बाद देखिए दोस्तों इसमें फायर आते ही ये ऑटोमेटिक, क्योंकि हम ये ऑटो में रखे थे, ऑटोमेटिक इसमें फायर आ गया, अब ये लाइट ऑन हो गया। और इसका अंदर ये जो लाइट जो ये रिले है ये भी जलना शुरू हो गया, तो यानी इसमें फायर आ गया। इस तरह से ये काम करता है, ऑटोमेटिक काम करता है फायर अलार्म सिग्नल से जोड़ करके। ये जो आया है, ये जो इसमें फायर आया हुआ है, अब इसको मैं साइलेंट कर रहा हूँ, ये साइलेंट इसको दबाएंगे, टच स्क्रीन है ये, वन नंबर दबाएंगे, उसके बाद इस पर पासवर्ड डाल देंगे 5 और साइलेंट हो गया। अब रिसेट भी कर देंगे, एमसीपी को पहले रिसेट करेंगे उसके बाद यहाँ पे रिसेट करेंगे। ना अब ये वन नंबर दबाएंगे तो ये रिसेट पैनल रिसेट भी हो जाएगा, इसी तरह से फिर पासवर्ड दबाना पड़ेगा। सिस्टम रिसेटिंग हो रहा है, अब ये रिसेट हो गया, इस तरह से हो जाएगा, सिस्टम हेल्दी आ गया। दोस्तों अब आपको मैं इस बताऊंगा कि रिपीटर पैनल कैसे हम मेन पैनल से, जो रावेल का रिपीटर पैनल कॉन्वेंशनल का है वो मेन पैनल से कैसे जुड़ेंगे। तो हम ये जो पोर्ट है इसमें ही हम ये वायर है, ये वायर रेड ब्लैक, ये दोनों वायर को हम मेन पैनल से रिपीटर पैनल में भी इसको खींचना पड़ेगा, वहाँ तक ले जाना पड़ेगा वायर को, और वहाँ पर भी कनेक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मेन पैनल में इसका कनेक्शन करेंगे, तो जो ये देखेंगे यहाँ BA, ये दिखा है RS-485 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये इसका इस टर्मिनल के लिए लिखा हुआ है, गाइड है, तो इस पे हम कनेक्शन करेंगे। रेड वाला पॉजिटिव में डालेंगे और ब्लैक ऊपर डाल देंगे इसको, इस तरह से इसको जोड़ देंगे। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन भी दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों ये इसका कनेक्शन अब करेंगे रिपीटर पैनल में, कहाँ कनेक्शन करते हैं ये देखिए, ये RS-485 जो है ना मेन पैनल में था वो यहीं पे भी, यहाँ पे भी है रिपीटर पैनल में भी, तो दोनों कमांड सेम है, तो ये इसी में कनेक्शन करेंगे, एक में रेड लगा देंगे एक में ब्लैक लगा देंगे, और दूसरा केवल आप यहाँ देख रहे हैं ये सप्लाई का है। इस तरह से यहाँ ए वाला, ए में ये जो ए दिख रहा है ए में रेड वायर कनेक्शन कर देंगे और बी में ब्लैक वायर कनेक्शन कर देंगे इस तरह से। और दोनों जगह सेम, मेन पैनल में भी ए में रेड वायर और रिपीटर में भी ए में रेड वायर और ब्लैक वाला वायर बी में ब्लैक वाला वायर ए में भी, मेन पैनल में भी और रिपीटर पैनल में भी इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों ये जोन 19 में फायर आया हुआ है, देखिए जोन 19 फायर आया हुआ है, अब यही फायर मैं रिपीटर पैनल में भी दिखा रहा हूँ आपको कि वहाँ भी वहाँ के रिपीटर पैनल में भी ये फायर किया हुआ है। देखिए देखिए दोस्तों
जो रिपीटर पैनल है यहाँ पे फायर आया हुआ है मेन पैनल से, जो 19 वहाँ था यहाँ पे भी जो 19 है।